नमस्कार बच्चों, आज से हम हमारा एक नया अध्याय अध्याय तीन बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, चूंकि बहुपद की ये पहली क्लास है तो हम आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से इसमें जो शब्दावली यूज आएगी, चर अचर से लेके चल रहे हैं हम कि चर और अचर क्या होता है, चर राशि और अचर राशि। इसमें अचर में मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र हम बोले कि 10 वर्ष है तो हमें मालूम है कैसा एज ग्रुप का वो बच्चा है। किसी की 1 वर्ष है तो भी हमें मालूम है, गोद में लेना पड़ेगा, तो वो तो हुई अचर। इस तरह की जो संख्या है 2, 5, 7, 9 या कुछ भी, कोई सी भी संख्या जो निश्चित संख्या लिए हुए है वो तो है अचर, कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इधर वेरिएबल्स में क्या है, एक्स या वाई या जेड इस तरह के, वो चर मान बदलते रहते हैं। जैसे एक बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, उसकी उम्र एक्स वर्ष है, एक्स हमें पता नहीं है वो कितने साल का है। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड वगैरह इस तरह के जो सवाल है वो चर राशि वाले कहलाते हैं। और इसी में बच्चों ये हम बिल्कुल शुरुआती दौर पे ले रहे हैं, आप x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वगैरह ये तो करते आए हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप लोग सभी परिचित हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर आप लोगों को मालूम है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसके गुणनखंड भी तो जानते हैं बच्चों आप लोग। हाँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस,
यस बच्चों, आपको थोड़ी सी असुविधा हुई हो, इसके लिए हमें खेद है। आइए, चर और अचर पे हम चल रहे थे, तो ये अचर और ये है चर। ये चर में क्या होता है बच्चों कि इनके जो भी मान निकालने हैं x का, y का या z का, तो आपको कोई समीकरण या कुछ दिया हुआ होगा, है ना बच्चों? देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। तो आप लोग सभी पेज नंबर 45 पे आइए, 45, और यहां पे कुछ शब्दावली है। पहले तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है, आइए उसकी परिभाषा समझे हम। बहुपद पॉलिनोमियल, जैसा आप लोगों को पेज नंबर 45 पे दिख रहा है, यदि व्यंजकों में चर x के घातांक पूर्ण संख्या में है, किसमें है? पूर्ण संख्या में, जैसे 5 x की घात 2 प्लस 7x, बस आगे कुछ नहीं है, तो ये एक बहुपद है, क्योंकि यहां पे x की घात यहां 2 है, x की घात 1 है, पूर्णांक में है। हां, अगर ये रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, तब भी ये बहुपद है। अक्सर हमारे नन्हे मुन्ने साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 की घात 1 बटे 2 है, तो सर ये बहुपद कैसे हुआ? बच्चों, इनमें ये जो अचर पद है ये घात नेगेटिव ला सकते हैं, लेकिन जो x के मान है वो x वाली जो घात है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, न नेगेटिव हो और नहीं, क्या बोला मैंने, पूर्णांक संख्या के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, घात 1 बटे 2, 3 बटे 5, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जैसे हम एग्जांपल ले लें, 2x माइनस 3 हमने घात लगा दी यहां पे, और यहां पे 5x स्क्वायर, तो यहां पे घात ऋणात्मक आ गई x की, एक तरह से 2 बटे x क्यूब है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूर्णांक नहीं है। आपको पूर्णांक से मतलब यहां पे पूर्णांक वो कौन सा, आपको प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक, वहां से थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पे एक शब्दावली घात पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं बच्चों, पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 वाली जो स्थिति होती है वही होनी चाहिए। ये माइनस 3 होने की वजह से बहुपद नहीं है। ऐसे ही 5x की घात 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि हमारी जो पूर्ण संख्या होने की शर्त थी x की घात, वो पूरी हो रही है, पूर्ण संख्या, ये ध्यान रखिए। अब इसमें और जो शब्दावली है, ये बहुपद है, बहुपद नहीं है, अभी हम सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। अब इसमें एक शब्दावली और आती है, कितने पद है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये प्लस और माइनस, ये पदों की संख्या में फर्क करते हैं बच्चों। यहां पे ये एक और एक दो पद हुए, अगर मैं केवल यहां पे 4x लिखूंगा तो वो एक पद ही हुआ, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 4x कि सर एक ये एक ये प्लस माइनस फर्क करते हैं पदों में, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो पदों की संख्या दो, पदों की संख्या दो, पदों की संख्या दो, वो बात अलग है कि ये बहुपद नहीं है। इसमें पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो पदों की संख्या 5, तो ये पदों की संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए, किस तरह से एक पदी है, दो पदी है, इस तरह से बोल सकते हैं हम इसे। इसके अलावा जो और शब्दावली आ रही है, ठीक है बच्चों, वो है घात, डिग्री। तो किसी बहुपद की घात कैसे पता करते हैं? पहली बात तो वो बहुपद होना चाहिए, इसकी हम डिग्री ही नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। इसकी डिग्री यानी उसकी घात जो मैक्सिमम होती है ना बच्चों, मैक्सिमम x की घात यहां पे बड़ी से बड़ी कितनी है? 2 है ना,
तो इस बहुपद की घात दो कहलाएगी। इसमें मैक्सिमम घात कितनी है, ये दो है, तो इसका भी घात दो हुआ, ये तो बहुपद ही नहीं है। और यहां पे x की मैक्सिमम घात कितनी है, ये चार, तो ऐसे में इसकी घात चार हो गई। अगर मान लो केवल छह लिखा हुआ है तो पहली बात तो ये बहुपद है या नहीं है। अरे बच्चों बहुपद है, कारण इसको मैं x की घात जीरो के साथ में लिख सकता हूं, तो ये बहुपद है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी घात क्या है, शून्य, घात क्या है, शून्य, एक पदी है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बीच बीच में कुछ नई नई बात आएगी तो हम देख लेंगे। और इस तरह जो दो घात वाले होते हैं ना, उनको द्विघाती बहुपद कहते हैं। और अगर मान लीजिए वो एक घात वाला ही है, जैसे 5x प्लस 7, तो ये रैखिक बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद। और बच्चों एक बात और सुनो, अगर हम इसमें बराबर शून्य लगा दें, बराबर 5, बराबर 7, कुछ भी लगा दें बहुपद के आगे, तो वो फिर समीकरण कहलाता है। क्या बोला मैंने, समीकरण, रैखिक समीकरण। इसके बराबर में अगर मैं जीरो या कुछ भी मान लगा रहा हूं, द्विघाती समीकरण हो गए वो, द्विघाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ध्यान रखिए, वो टेंथ में हम पढ़ेंगे। अब आप लोग एक्सरसाइज 3.1 3.1 निकाल लीजिए, ज्यादा सवाल कुछ है नहीं इसमें, तेजी से हम ले रहे हैं, आप और हम मिलके करेंगे। जो हमने शब्दावली ली उन्हीं का प्रयोग इसमें हो रहा है, तो जगह जगह इसका प्रयोग कैसे होगा ध्यान दीजिए। और बच्चों जिनमें काफी सारे सवाल हैं, एक ही में अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हम नहीं चाहेंगे हर तरह का सवाल हम लें, ये ध्यान रखिए। छह पार्ट है तो छह के छह हम समझाएं कोई जरूरी नहीं है। यहां पे पेज नंबर 48 पहला सवाल और उसका फर्स्ट पार्ट। पहले तो सवाल में क्या लिखा है, निम्न व्यंजकों में से कौन से बहुपद हैं, बहुपद हैं, बहुपदों के चरों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों सुनो, चरों की संख्या पे हमने बात नहीं की, इसको भी समझ लीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, और यहां x है ही नहीं, तो ऐसे में बहुपद है या नहीं है, यस बहुपद है, क्योंकि यहां पे x की घात पूर्ण संख्या में है, तो पहली बात बहुपद है। और फिर हमसे क्या कहा गया है, क्या ये चरों की संख्या बताइए, तो चरों की संख्या कितनी है, एक, और वो कौन सा है चर, x, एक, तो एक लिख दीजिए, बहुपद है, चरों की संख्या एक। ठीक इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें, y स्क्वायर प्लस 2√3, तो इसमें y है नहीं ना बच्चों, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 की घात 1/2 है, y की घात नहीं, तो बिल्कुल बहुपद है और चरों की संख्या एक। हां बहुपद है और चरों की संख्या बराबर इसमें भी एक। बाकी हम बता देते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, y प्लस 3/y, तो यहां पे एक तरह से y को ऊपर लेके जाएंगे तो y की घात माइनस एक हो गई, तो वो हमारी बहुपद होने की शर्त के खिलाफ है। फोर्थ, 3 एक बहुपद है, और नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो बहुपद नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि उसमें x पे रूट लग गया, इसलिए बहुपद नहीं है। और जहां तक छठे की बात है, बहुपद तो है लेकिन वो चरों की संख्या वहां पे तीन तरह की है, x भी है, y भी है और t भी है, बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, तीन तीन चरों का प्रयोग हो रहा है।
अब एक है बच्चों गुणांक का कंसेप्ट, गुणांक कॉफिशियंट, तो वो भी समझ लो, इसी से समझ लीजिए, वो सवाल नंबर दो में काम में आ रहा है, शब्दावली में हमने नहीं बताया था। गुणांक में क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी हुई है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का। तो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक तीन है, एक्स का गुणांक माइनस पांच और अचर पद तेरह है, अचर पद तेरह है। पुनः पुनः सुनिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक तीन, एक्स का गुणांक माइनस पांच, अचर पद तेरह है। एक और सवाल हम ले लें इसी को, कॉफिशियंट को समझने के लिए। बच्चों ये तो बेहद आसान एक्सरसाइज है, और हम आप लोगों को ये भी बता दें कि जो आसान एक्सरसाइज उसको एक दिन में हम कर देंगे, एक दिन बहुत है उसके लिए, लेकिन जहां मुश्किल है उसमें हम वक्त लगाएंगे, मन से भी लेंगे कुछ सवाल। तो हम किस बात को समझ रहे थे, गुणांक को, 5x³ + 7x² - 9x + 2। गुणनखंड नहीं करने हमने, यूं ही बना दिया सवाल। अगर मैं आपको एक्स क्यूब का कॉफिशियंट पूछूं तो वो पांच है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा तो वो सात है, एक्स का गुणांक माइनस नौ है और अचर पद दो है। अगर बच्चों सुनो 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 सुनो, अगर ऐसा है सेवन एक्स की घात चार और फिर पांच एक्स की घात दो और फिर माइनस सात, और अब मैंने आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब का गुणांक, है ना बच्चों, मतलब एक्स क्यूब है ही नहीं, एक्स क्यूब है ही नहीं और पूछ लिया गुणांक, तो उसका गुणांक शून्य कहलाएगा, यह ध्यान रखना, क्या कहलाएगा, शून्य। अगर मैं बोलूं एक्स का गुणांक, तो यहां एक्स है ही नहीं, वो शून्य कहलाएगा। लेकिन अगर जो मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ लिया, है ना बच्चों, तो क्या होगा बताइए आप लोग, पांच, बिल्कुल। अरे बच्चों पांच नहीं, एक मिनट इधर इधर ध्यान दो, देखो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक पांच और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक सात, तो हमने अभी आपसे केवल इसका पूछा है, कुछ बच्चे उसको भी देख रहे हैं, कुछ सात कुछ पांच ऐसे उत्तर मिले, केवल इसी पार्ट में देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक पांच, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक सात, उतार लीजिए जल्दी से आप लोग, बच्चों एक तो कंफ्यूज मत होइए आप लोग, ये सवाल अलग था, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक सात, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पांच, तो जब आपसे इस सवाल के लिए पूछा जाए तो ये पांच बोलना है, इस सवाल के लिए पूछा जाए तो ये बोलना है। अगर हम एक और नया ले रहे हैं जिसमें 7x + 5 और इसमें हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ लिया, यहां शून्य होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां पे नहीं दिख रहा, इस बहुपद की जो घात है वो एक है। और अगर कोई सवाल ऐसा है 5x³ + x² - x + 6, तो इसमें एक्स क्यूब की जो गुणांक है एक्स की घात तीन, उसका गुणांक तो पांच है और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, ये ध्यान रखना, जीरो मत लिख देना, जीरो तब होता है जब वो पद ही नहीं होता है, ठीक है, यहां कोई संख्या नहीं है तो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, और अगर मैंने एक्स का गुणांक पूछ लिया, एक्स का गुणांक पूछ लिया तो इसमें माइनस एक आया, यहां प्लस एक यहां माइनस एक और अचर पद छह, मेरे ख्याल से पर्याप्त है किसके लिए, सवाल नंबर दो के लिए। आइए केवल इसमें निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है, कहीं एक भी बच्चा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझिए।
और इस बार हम आपसे ज्यादा पूछेंगे बच्चों, हम कम बताएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से हमने आप लोगों को इस काबिल बना दिया कि आप आसानी से इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक बता सकते हैं, 12 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, बताइए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ 5, बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से सभी बच्चों का सही है। और एक्स स्क्वायर की तलाश करनी है, यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, यहां आ जाके मिला लास्ट में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, बात खत्म। सेकंड में 7 माइनस 11x प्लस एक्स क्यूब, मुझे तो कहीं एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, हाँ 0, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर 0 नहीं लिखे हम हिंदी में 0 लिख दें, लिख दो ना, किसने रोका ऐसा। थर्ड में रूट एक्स, अरे नहीं ना बाबा, रूट एक्स नहीं है, यहां पे रूट 3 है और फिर एक्स आगे है -7, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ 0, क्योंकि यहां पे भी एक्स स्क्वायर का पद है ही नहीं। और लास्ट वाले में, फोर्थ में पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटे 2, बस एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटे 2, सिंपल। इसमें कोई 22/7 या इस बारे में नहीं सोचना, हमारे को जो दिया गया है साक्षात वो लिख दीजिए आप लोग, वहां कोई जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आइए आंसर शीट से मिला लें जरा, एक्स स्क्वायर के गुणांक, यस 3.1 में यहां पे 1 3.1, दूसरे का पहला, यस बच्चों आंसर शीट में कुछ अलग दिया हुआ है, यहां जो हमने 5 लिखा है उस जगह 1 छपा है, थोड़ा सा देख लेना, पता नहीं 1 क्यों आ गया, 0 0 और पाई बटे 2, बाकी ठीक है। तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो, साक्षात आपको एक्स स्क्वायर से पहले 5 दिख रहा है तो 5 ही होगा, यस। तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां हम ले रहे हैं, चिंता मत कीजिए, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। यस बच्चों, अब आगे जो सवाल नंबर 3, 4, 5 आदि आदि दिए हुए, और छठा तो इन्हीं पे आधारित है, छठे में बताए क्या बोला है, 3, 4, 5 में जो दिए उनके अलावा बताओ उदाहरण, तो ये क्या है बच्चों, खुले प्रश्न हैं। अगर मैं आपसे बोलूं दो अपने फ्रेंड्स के दोस्तों के नाम लिखो अपनी कॉपी में, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आपने क्या क्या लिखे, नहीं बच्चों नहीं, पता नहीं आप लोगों के दोस्तों के नाम क्या क्या होंगे। वैसे ही ये प्रश्न है कि 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण लिखिए, खुला छोड़ दिया हमारे को, 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण लिखिए, और छठे सवाल में वहीं जाके कह रहा है कि इसके अलावा भी लिखिए, तो वो छठे को भी साथ के साथ ही समेट देते हैं। देखो ध्यान दीजिए, और बच्चों जो एक्सरसाइज हमने यहां करवाई वो स्कूल में भी रिवाइज करवा सकते हैं 9th के मामले में, क्योंकि 9th में अर्धवार्षिक में
70% के लगभग कोर्स आता है, तो वो हम यहां से भी डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। और टेंथ में तो हमने बता ही दिया किस तरह से चलेगा। 45 घात के एक द्विपद का उदाहरण लिखिए, तो हम यहां पे चर एक्स मान के चल रहे हैं। तो पहली बात तो एक्स की घात 45 तो हमारे को लिखनी ही लिखनी है। इसने द्विपद बोला तो यहां पे हम प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन x की घात 45 के नीचे नीचे रखनी है। x लिख दीजिए, x की घात 2 लिख दीजिए, 5, 9, 7, 12, 43 ही लिख दीजिए ना, अब तो 44, 43 इसके पड़ोस में लिख दो। और अगर यहां पे कोई संख्या लिखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि सुना सुना है, तो आप लिख दीजिए आपकी श्रद्धा से कोई सा भी नंबर, बस हो गया। अब किसी बच्चे ने अगर और कोई उदाहरण लिख दिया, 5, उसने जो चर है वो y ले लिया, तो ले लो भाई, यहां पे y की घात 45, माइनस ले लिया तो ले लीजिए। और यहां पे केवल 7 ही लिख दिया, ये भी उसका उदाहरण हो गया जो ये चाह रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये साक्षात ओपन क्वेश्चन इस तरह का है जिसकी कई अनंत हल है, तो कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, सभी संभव है, ये ध्यान रखना। ये छठे को भी हम ले रहे हैं साथ में, ठीक इसी तरह से बच्चों सुनो 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 सुनो, चौथे को भी देखिए। 120 घात के एक पदी का उदाहरण लिखिए, 120 घात के एक पदी, तो येल्लो जी x की घात 120, एक पदी हो गया, ये भी हो गया उत्तर यहां पे, x की घात 120, एक पदी। इसके आगे अगर आपको कोई संख्या लिखनी है लिख लो, नहीं लिखनी मत लिखो, ठीक इसी तरह से यहां पे हम y का ले रहे हैं, y की घात 120, और इसके आगे संख्या हम 125 भी लिख सकते हैं, संख्या तो इससे बड़ी भी लिख सकते हो, पर घात 120 से कम ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये एक पदी बोल रहा है। और अगले में पांचवे में क्या बोल रहा है, पांचवे में 8 घात के एक त्रिपदी का उदाहरण दीजिए, त्रिपदी यानी कि 3 पद लेने हैं, कितनी 8 घात, तो x की घात 8 तो तैयार रखिए, प्लस 3 x की घात 7, माइनस 5 x की घात 6, इसके आगे कुछ लिखना है लिख दीजिए, श्रद्धा आपकी। तो यहां पे त्रिपदी हो गया, प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, 3 प्लस माइनस अलग अलग पार्ट करते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है। और 8 घात है इसलिए x की घात हमने मैक्सिमम 8 रखी है। एक अन्य उदाहरण छठे के लिए हम इधर तैयार कर लेते हैं बच्चों, यहां y की घात 8, कुछ बच्चों का कहना है कि सर y के अलावा भी कुछ, अरे ले लो ना, श्रद्धा आपकी बच्चों, जेड ले लिया इस बार हमने, जेड की घात 8, 3 लेने हैं पद तो माइनस जेड ही ले लीजिए, और माइनस 1 ले लीजिए, हो गए 3 पद। ये इसमें मैक्सिमम घात जेड है इसलिए ये 8 घात का एक त्रिपदी व्यंजक बन गया। तो इधर हवा ये सवाल नंबर 6 के लिए तैयार हो रहा है। सवाल नंबर 6 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 3, 4 व 5 में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त पद भी क्या आप लिख सकते हैं? हां तो प्रत्येक के दो उदाहरण बोले बच्चों, कितने बोले? हां बच्चों 2 उदाहरण, आइए एक और लिख देते हैं। हां ये एक हो गया, एक और लिख दो यहां पे, अब की बार जेड को पकड़ लो, जेड की घात 45 प्लस 5 जेड की घात 40, ये दिख नहीं रहा क्या बच्चों जेड की घात 40? हां देखो आप दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक इसी तरह से बच्चों इधर ध्यान दो, इसमें एक पद ही है तो यहां पे भी हम जेड की घात 120 ही लिख देते हैं, क्यों लिखे आगे संख्या, एक पद ही बताना है हमारे को, ठीक है। और इसी तरह से
ये इसका भी एक उदाहरण हम और तैयार कर लेते, इसमें अगर जेड लिया था तो हम यहां पे वाई ले लेते हैं, ये बटे में मत मान लेना आप लोग, ये कॉमा लगा देते हैं, कई बच्चे हमारे पता नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बटे में लिखा है क्या सर ने, दो अलग अलग ले लिए उदाहरण, यहां पे भी समझ लीजिए, ये दूसरा उदाहरण y के पदों में ले लेते हैं, y की घात 8, 5 आगे लगा दीजिए प्लस 5 y की घात 7 प्लस 5 प्लस 5 नीचे लिख देते हैं बच्चों, आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा, 5 y की घात 8 प्लस 5 y की घात 7 और प्लस 5 y की घात 6। तो ये दो उदाहरण हो गए किसके, सवाल नंबर 5 के, ये दो उदाहरण हो गए सवाल नंबर 4 के, और ये दो उदाहरण हो गए किसके, सवाल नंबर 3 के। तो ये हुआ हमारा सवाल नंबर 6 में जो अन्य दो चाहे उनके उदाहरण हो गए, सवाल नंबर 6 के अन्य दो उदाहरण यहां है। हम आपको फिर से बता दें, इन सवालों के आंसर शीट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसने अपने उदाहरण दिए होंगे, हम कुछ भी उदाहरण अन्य बना सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इन सवालों के उत्तर तालिका से कोई मतलब नहीं है। यस, अब हम आप लोगों को सवाल नंबर 7 में लिए चलते हैं, 3.1 का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 7, निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखी, बहुपद की घात लिखनी है हमें, क्या लिखनी है, बहुपद की घात। देखिए जो हमने आपको समझाया था कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार पुनः पुनः समझा दें, मैक्सिमम जो घात है यहां पे, जो भी चर का प्रयोग हुआ है उसकी अधिकतम जो घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो सातवें सवाल का फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, 12 -3x + 2x³। गौर करना, x की घात 3 लिखा हुआ है वहां, तो बहुपद की घात क्या हुई बच्चों, हा, बराबर 3, बहुत अच्छे। और बच्चों इतना जोश भी ठीक नहीं है कि हमारी पास वाली क्लास बाधित हो, माना कि जोश तो होना चाहिए पर इतना भी नहीं। यस, सेकंड देखिए, 5y - √2, तो इसमें y ये रहा और इस y की घात दिख नहीं रही, तो ऐसे में हम बहुपद की घात क्या लिखेंगे बच्चों, हा हा, शून्य, अरे नहीं बच्चों शून्य नहीं, एक, एक, ये ध्यान रखना, यहां पे y की घात दिख नहीं रही, वो एक है, शून्य तो तब होता जब साक्षात y ही नहीं होता, ठीक है, बहुपद की घात एक। अगले में आ गया, आपकी सुन ली सवाल ने, यहां पे 9 है, तो 9 में केवल केवल अचर पद है ये 9, तो ऐसे में बहुपद की घात क्या होगी, हा, बहुपद की घात बराबर शून्य, इसमें होगी शून्य, इधर तो एक है, इधर 3 आप लोगों ने देख ही लिया, एक सवाल और बाकी है हमारा, ठीक है, वो आप लोग खुद करिए, तो और फिर मैं यहां से ही पूछूंगा बच्चों अभी आप लोगों से, हा, चौथे में 3 + 4t² इसमें पहले आप लोग कॉपी में खुद लिख लो, जिससे प्रमाण भी रहे हमारे पास कि सर हमने देखो ये 2 या 3 या 1 या 0 लिखा था, ठीक है, बहुपद की घात आप लोग खुद लिख के तैयार रखिए, हम अभी उत्तर बोलने वाले हैं इसमें,
हाँ ये पीछे वाले बच्चों को दिख तो रहा है जो मैं लिख रहा हूं, बहुपद की घात बराबर दो, बिल्कुल ठीक है बच्चों। और हमें जान के खुशी है कि आप में से ज्यादातर ने यही लिखा है। अच्छा अब चलिए इसी सवाल में हम पूछते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक वो शून्य होगा, एक्स क्यूब का गुणांक दो, और एक्स का गुणांक -3, और अचर पद 12 है। तो ऐसे कुछ भी सवाल आपको देके कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है उतारिए जल्दी से। एक बार पुनः पुनः ये सातवां सवाल अंतिम सवाल समझ लीजिए। इसमें बहुपद की घात पूछी गई थी, इसमें x एक वेरिएबल है, x की मैक्सिमम घात यहां से प्राप्त हो रही है और वो घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 हो गई है। इसमें y एक वेरिएबल है, y की मैक्सिमम घात अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद की घात 1 हो गई। इसमें हमारे को x y z या t p कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में हमें ध्यान भी नहीं देना क्या था, उसमें बहुपद की घात शून्य हो गई। ठीक है और इसमें एक टी टी हमारे को एज ए वेरिएबल दिया हुआ था और उसकी घात 2 थी, बहुपद की घात 2 हमें मिल गई। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी है। अब आगे 3.2, 3.3, 3.4 वगैरह में कुछ नई नई चीजें हमें मिलेंगी, उनको लेके अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे। बच्चों नमस्कार।